पॉली सर, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, बट हाउ कैन आई डू समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन? पॉली का प्रश्न है कि जब हम आशा रखते हैं तो उससे जो है हमें दुख मिलता है, कैसे जो है हम चीजें कर पाए जिसके अंदर जो है हम आशा ना रखें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। देखो कुछ भी करोगे पॉली, उसके अंदर जो है आशा तो बहुत स्वाभाविक चीज है, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी नेचुरल, एक्सपेक्टेशंस तो आएंगी ही आएंगी। और एक्सपेक्टेशंस का आना ठीक भी है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल कि अगर हम जो है अपने घर से निकल रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे निकलने पे जाने के लिए, ठीक है, तो अगर गाड़ी से निकल रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम ए से बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर कुछ, अब ये एक्सपेक्टेशन रखना तो बहुत जायज़ है ना, बहुत नेचुरल है कि भाई ये जो है हमारी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि हम ए से बी पॉइंट पे पहुंच सके। अब किसी कारण से जो है बारिश हो गई, रास्ता ब्लॉक हो गया, आप उस बी पॉइंट तक नहीं पहुंच सके, तो आपको घर अपने वापस आना पड़ा। तो अब यहाँ पे जो है अब सिंपली अब इसमें दुखी और परेशान होने की तो बात नहीं है, जो कि हो तो जाते हैं हम, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम बी पॉइंट तक नहीं पहुंच सके। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हम जो है ट्राई नहीं करेंगे, हम उसके प्रति जो है उसको उस एक्ट को जो है निभाएंगे नहीं। फिर हम दूसरा अगर हम एग्जांपल दें कि आपने अपने प्रेमी से, प्रेमी के लिए जो है उसको कोई गिफ्ट दिया और आपने कुछ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखी कि वो बहुत खुश होगा, उसको जो है बहुत आपको प्यार करेगा, आपको गले लगा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपको जो है अंदर अंदर चोट लगी, आपको अंदर अंदर जो है परेशानी हुई इस बात को लेके, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई। अब वो जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आपके अंदर जो है दुख और तकलीफ जो है बहुत नेचुरली जो है वो क्रिएट हो गए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे अंदर समझ बढ़ती है, हम हर काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम सिंपली जो है हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेशन का जो है, एक्सपेक्टेशन भी बनी रहती है लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। जो हम कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन भीतर से जो है उस वो जो एक्सपेक्टेशन से जो दुख मिलना चाहिए वो दुख जो है ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। बहुत नेचुरल सी एक्सपेक्टेशन है। आपको रास्ते में जो है, अगर आपका दोस्त, आपको आपका कोई जानकार जो है कोई रास्ते में मिल गया, आपने हेलो कही और उसने आपको हेलो नहीं बोली, तो अंदर से चोट लगी। बहुत नेचुरल है, हर चीज के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। ए टू जेड कुछ भी करते हैं उसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन होती ही होती है। अब एक अगर साथ में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें कि दुख है, कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ जो एक्सपेक्टेशन जो जुड़ी हुई है हमारी, हो सकता है कि वो काम पूरा ना हो। जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो भीतर से जो है दुख की जो संभावना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो पॉली का जो प्रश्न है वो ये पूछ रही है कि कैसे जो है एक्सपेक्टेशन जो है काम को कैसे करें कि जहां पे एक्सपेक्टेशन ना हो, जहां पे हम कोई आशा ना रखें। देखो आशा तुम चाहे मानो या ना मानो, रखो या ना रखो, आशा तो रहेगी। अब सिंपली हम सिंपली जो है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है चीजों को डील करते हैं, बस और कुछ नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग के साथ जब चीजों को डील करते हैं तो दुख जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। हमारा सारा एक्ट वही रहता है, जो हम करना चाहते हैं हम करते हैं, अभी भी जो कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे, लेकिन अब हमारे को जो है एक कंट्रोल मिल गया, हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि अगर हमारे जीवन में
अगर मैंने ये कुछ करा तो मेरे को दुख जो है अगर मिलेगा तो मैं उसका भी स्वीकार करूंगा, मैं उसको बहुत नेचुरली लूंगा कि भाई दुख हो सकता है, मिल सकता है, अब मैं उससे परेशान नहीं हो जाऊंगा। तो एक्सपेक्टेशन तो रूट कॉज है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ बस एक अंडरस्टैंडिंग जुड़ जाए तो फिर चीजें जो हैं सब ठीक है।